अच्छा बेटा, नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम एस्टर्स. ठीक है, वी आर टू डिस्कस रिएक्शंस ऑफ एस्टर्स. एस्टर का बेटा एक रिएक्शन तो आपने ओ लेवल्स में पढ़ा हुआ है. एस्टर के बेसिकली दो तरह के रिएक्शंस हैं. एक है एसिड हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस, और बेटा दूसरा है बेस हाइड्रोलिसिस. दो तरह की हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस एस्टर के हैं सिलेबस में. अब आपके जहन में होगा कि व्हाट इज हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस इज रिएक्शन विद वाटर, ऐसा रिएक्शन जिसमें वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाए. ठीक है, रिएक्शन इन विच वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक्स डाउन, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन, वॉटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो तो सच रिएक्शन इज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. ठीक है. अच्छा, एसिड हाइड्रोलिसिस का मतलब यह है कि जो हाइड्रोलिसिस हो रही है वो एसिडिक कंडीशन में हो रही है, और बेस हाइड्रोलिसिस का मतलब है बेटा ये बेस है. ठीक है, बेस हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि जो हाइड्रोलिसिस हो रही है वो बेसिक कंडीशन में हो रही है. ठीक है. अच्छा, ये बात ध्यान में रखें कि रिएजेंट फॉर एसिड हाइड्रोलिसिस, जब भी एसिड हाइड्रोलिसिस होगी तो उसके रिएजेंट्स आपको मिलेंगे. आप जब पास पेपर्स देखेंगे, वर्कशीट्स देखेंगे, पेपर देखेंगे, तो उसमें रिएजेंट HCl हो सकता है, एक्वस. ठीक है, अब ये HCl एसिड है और एक्वस जो है वो वाटर है जो कि हाइड्रोलिसिस में ब्रेक डाउन होगा. राइट, एक्वस का मतलब दैट वाटर की जो जिसने ब्रेक डाउन होना. फिर सल्फ्यूरिक एसिड रिएजेंट हो सकता है एक्वस एसिड हाइड्रोलिसिस के लिए. फिर जो एसिड हाइड्रोलिसिस का रिएजेंट है बेटा वो यूं भी दे सकते हैं, एग्जामिनर पास पेपर में आपको यूं भी नजर आएगा H+/H2O. ये H+ एसिडिक कंडीशन को शो कर रहा, H2O हाइड्रोलिसिस के वाटर को शो कर रहा. ठीक है, ये H+ एसिडिक कंडीशन को शो कर रहा. और रिएजेंट यूं भी गिवन हो सकता है H3O पॉजिटिव. ठीक है, तो जब भी आपको एस्टर के साथ ये रिएजेंट नजर आए, HCl नजर आए, H2SO4 गिवन हो, या H+/H2O गिवन हो, या H3O पॉजिटिव गिवन हो और साथ में एस्टर हो, तो समझ जाएं कि दे आर टॉकिंग अबाउट एसिड हाइड्रोलिसिस. राइट, और जो कंडीशंस हैं एसिड हाइड्रोलिसिस की वो हीट है या हीट अंडर रिफ्लक्स. हीट भी ठीक है, हीट अंडर रिफ्लक्स भी ठीक है. इन कंडीशंस में एसिड हाइड्रोलिसिस होगी. एज फार एज बेस हाइड्रोलिसिस इज कंसर्न्ड, बेस हाइड्रोलिसिस में जो रिएजेंट है वो किस तरह से गिवन हो सकता है. NaOH एक्वस गिवन हो सकता है. ठीक है, KOH एक्वस गिवन हो सकता है, या सिर्फ OH एक्वस गिवन हो सकता है. अब आपको एस्टर के साथ ये रिएजेंट नजर आए तो समझ जाएंगे बेस हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं, और कंडीशंस वही हैं, हीट है या हीट अंडर रिफ्लक्स है. यहां तक क्लियर है सबको, हीट या हीट अंडर रिफ्लक्स ये कंडीशंस होंगे. जी सर. अच्छा, अब जरा देखें कि हाइड्रोलिसिस में करना क्या है. तो फॉर एग्जांपल देखिए कि ये एस्टर है. सर, पिछली डेसिग्नेशन दिखा सकते हैं? जी जी, जी. ओके सर, ठीक है ठीक है. देखिए ये एस्टर है. ठीक है, ओके. अच्छा, अब देखिए इस एरो पे अगर मैं HCl एक्वस लिखूं, व्हाट डज इट मींस, और यहां हीट हो तो एसिड हाइड्रोलिसिस रिप्रेजेंट होगी. HCl एस्टर है और HCl एक्वस एसिड हाइड्रोलिसिस का रिएजेंट है, या H2SO4 हो तो ये भी एसिड हाइड्रोलिसिस को रिप्रेजेंट कर सकता है. और रिएजेंट इस तरह भी गिवन हो सकता है H3O पॉजिटिव, और रिएजेंट इस तरह भी गिवन हो सकता है H+ एंड H2O. ये रिएजेंट इस तरह से गिवन हो सकते हैं, इसमें से कोई एक रिएजेंट गिवन होगा. ठीक है, लेट्स से बाकी मैं रिमूव कर रहा हूं, सिर्फ HCl रख रहा हूं. ओके, अच्छा, अब देखें हाइड्रोलिसिस में वाटर मॉलिक्यूल ने भी ब्रेक डाउन करना है.
जब भी एसिड हाइड्रोलिसिस हो आप यूं वाटर को लिख दिया करें एस्टर के साथ और देखें यूं एस्टर को ब्रेक करें और एस्टर को ब्रेक करते करते वाटर को भी ब्रेक करते हैं। एस्टर का ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करें और वाटर का ओ और एच बॉन्ड ब्रेक करें। अब आपके ख्याल में ये जो ओ एच है ये कहाँ जाके अटैच होगा, ये जो ओ है ये कहाँ अटैच होगा, ये इस कार्बन पे अटैच होगा और ये जो ऑक्सीजन है लोन पेयर से इस एच को पिक कर लेगा। तो देखो इससे क्या बना, इससे फॉर्म क्या हुआ, इससे वही कार्बोक्सिलिक और एल्कोहल फॉर्म हुआ। एसिड हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक और एल्कोहल विल फॉर्म, ये ओ लेवल्स में भी आपने पढ़ा था ये रिएक्शन, लेकिन वहां आप सिर्फ हाइड्रोलिसिस बोल रहे थे ओ लेवल्स में, यहाँ हम इसे एसिड हाइड्रोलिसिस बोल रहे हैं जिससे कार्बोक्सिलिक और एल्कोहल बनेगी, राइट। अच्छा उसके बाद अगर के रिएजेंट ये हो NaOH, ठीक है NaOH एक्वस हो और हीट हो, तो बेटा इसमें भी यही कुछ होगा जो ऊपर है, यही इसी तरह कार्बोक्सिलिक बनेगा, जरा गौर से सुनिए बात, यही कार्बोक्सिलिक बनेगा और यही एल्कोहल बनेगा बेस हाइड्रोलिसिस में भी, क्योंकि हाइड्रोलिसिस असल में वाटर से रिएक्शन को कहते हैं, तो बेस हाइड्रोलिसिस में भी वाटर ही ब्रेक होगा और इसी तरह कार्बोक्सिलिक और एल्कोहल ही बनेगा। लेकिन एक बात जरा सोचें कि ये बेस हाइड्रोलिसिस के केस में जो कार्बोक्सिलिक फॉर्म हुआ है वो इस बेसिक या एल्कलाइन मीडियम में फॉर्म हुआ, कार्बोक्सिलिक तो बना है लेकिन NaOH भी पड़ा हुआ है उस सोल्यूशन में जिसमें कार्बोक्सिलिक फॉर्म हुआ है, तो फिर ये कार्बोक्सिलिक NaOH से रिएक्ट कर लेगा। तो यू नो कि कार्बोक्सिलिक जब NaOH से रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट होगा? सर ये आप दोबारा समझा सकते हैं, ये बेस वाला जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हुआ ना, कार्बोक्सिलिक एसिड जिस सोल्यूशन में फॉर्म हुआ उसमें NaOH है कि नहीं? है सर। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर देखेंगे मैं लिख रहा हूँ, ये NaOH से रिएक्ट कर लेगा तो ये इस रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट होगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक बनेगा प्लस वाटर। कार्बोक्सिलिक एसिड के एल्कली से रिएक्शन तो आपको आते हैं ना, इस वजह से मैं यहां इसको कार्बोक्सिलिक नहीं लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक। ये पॉइंट समझ में आया? सर आर इस केस में क्या होगा? सॉरी आर क्या किस चीज के स्टैंड करता है? मिथाइल कैन बी इथाइल कैन बी प्रोपाइल कैन बी, ठीक ठीक, तो वो जो है वो इसके साथ बाइंड कर देगा ओएच के साथ। हाँ बेस हाइड्रोलिसिस में ना, बेस हाइड्रोलिसिस में एसिड नहीं बनेगा बल्कि सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक बनेगा बेस हाइड्रोलिसिस में, ये बात ध्यान में रखें, ठीक है? यस सर। अच्छा लेकिन इसमें एक बात और भी है कि इस सॉल्ट को अगर हम एसिडिफाई करें, ये भी आपको मिलेगा पास पेपर्स में, ये जो सॉल्ट बना है इसको अगर हम करें एसिडिफाई, एसिडिफाई करें तो इससे बन जाएगा वापस कार्बोक्सिलिक एसिड। सॉल्ट को एसिडिफाई करें तो यू विल गेट कार्बोक्सिलिक अगेन, यानी ये फॉर्म होगा। कार्बोक्सिलिक सॉल्ट्स को जब भी आप एसिडिफाई करें यानी एसिड में ऐड करेंगे तो वापस कार्बोक्सिलिक एसिड रिकवर होगा, ये बात याद रहेगी बेटा? जी सर। ठीक है मैं मूव करूं आगे। देखो इस तरह से मैं आपको ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, सर एक चीज आते हैं बस मैं एक स्क्रीनशॉट ले लूं। ये मैं शेयर कर दूंगा बेटा, क्लास के एंड में शेयर कर दूंगा। ओके बेटा आप देखिए कि ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको क्या शो कर रहा है, क्या इसमें एस्टर हैं इस मॉलिक्यूल में? जी सर हैं। कितने एस्टर्स हैं? दो, सर, दो दो एस्टर्स हैं। तो अगर मैं ये रिएजेंट लिखूं H3O पॉजिटिव और हीट, तो आपके जहन में क्या पिक्चर बनेगी कि क्या कहना चाह रहे हैं? एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस।
अच्छा, अब एसिड हाइड्रोलिसिस में ब्रेक होना है एस्टर ने, तो साथ में वाटर ने भी ब्रेक होना है। तो देखो आप अपनी इजीनेस के लिए वाटर को भी ब्रेक करवा दो तो आपके लिए थोड़ा इजी होगा प्रोडक्ट्स को बताना। यहाँ एस्टर भी ब्रेक हुआ और वाटर का ओएच बॉन्ड भी ब्रेक हुआ। तो देखो ये जो ओएच है ना, ये इस कार्बन से अटैच कर दो और ये एच जो है इस ऑक्सीजन से अटैच कर दो। एक तो एस्टर यहां से ब्रेक कर दो, दूसरा एस्टर यहां से ब्रेक कर दो, यहां से एस्टर ब्रेक कर दो। तो ये ओ एच इधर लगा दो, ये एच इधर लगा दो। आप बता सकते हो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है, ये ओ एच हो जाएगा, देन ये कनेक्टेड है सी एच टू से, फिर सी एच टू कनेक्टेड है ओ से, ओ बॉन्डेड हो जाएगा एच से। और फिर दूसरे मॉलिक्यूल को देखो तो वो दूसरा मॉलिक्यूल भी असल में यही है, ओ एच, ये सी एच टू और यहाँ ओ और एच। गॉट इट बेटा? ये हो गया एसिड यस सर, हाइड्रोलिस, एसिड हाइड्रोलिसिस। कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। और देखो बेस हाइड्रोलिसिस, अगर ये यूं लिखा हो NaOH एक्वस और हीट, तो ये बेस हाइड्रोलिसिस है। अब बेस हाइड्रोलिसिस में भी फॉर्म यही कुछ होगा, लेकिन बस सिर्फ जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसे सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक कर दें, ऐसे ONA कर दें, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कर दें। और अगर मैं अगर दो मोल लिख दूं तो ठीक है बेटा? इज इट करेक्ट कि मैं टू मोल्स लिख दूं, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट एक जैसे ही हैं, ये दोनों प्रोडक्ट एक जैसे ही हैं। ऊपर भी मैं एक प्रोडक्ट को रब करके, ये असल में मैं ऐसे लिख सकता हूं टू मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड, जिस सी एच टू ओ एच, राइट? ये असल में हाइड्रोक्सी एथेनोइक एसिड है ऊपर वाला। एनी कंफ्यूजन बेटा? इस दो मोल से कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? नो सर, अगर दो मोल से कंफ्यूजन हो रही है तो आप नो लोगों सर, के लिए बेटा मैं लिख रहा हूं दोबारा इसको। ये भी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक बनेगा, सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एन ए। ठीक है, क्लियर? सर एग्जाम में हम 2 मोल्स लिख सकते हैं? जी लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं। बस ये कम से कम पता होना चाहिए कि दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे हैं तो फिर प्रोडक्ट एक है लेकिन उसके मोल्स दो हैं। कॉन्सेप्ट के लिए मैंने बताया। ठीक ठीक है सर, है। अच्छा बेटा, इसमें कम कभी कभी कुछ बेस गलत किया हाइड्रोलिसिस है में मैं ये समझ डिस्कशन गई। भी होती है कि मैं सर आप बेस। 1 सेकंड के लिए पीछे कर सकते जी हैं? जी बेटा, ये लीजिए। थैंक यू सर। ओके अच्छा देखें कि बेस हाइड्रोलिसिस कभी कभी बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं लेते, सिर्फ ओएच ले लेते हैं प्लस हीट। अब इन्होंने यहां सोडियम नहीं लिखा, देखो मैं इस कंपैरेटिवली ले लेता हूं। अगर के ये इस तरह ले लेते रिएजेंट बेस हाइड्रोलिसिस में कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते, NaOH एक्वस ले लेते, तो फिर बेटा इसने बॉन्ड ने इधर से ब्रेक होना था, वाटर ने भी ब्रेक होना था, तो क्या बनता? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक बनता, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक बनता प्लस एल्कोहल बनता, राइट? यही पढ़ाया ना मैंने, बेस हाइड्रोलिसिस में सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक बनाया। और फिर अगर इस सॉल्ट को एसिडिफाई करेंगे, एसिडिफाई करेंगे तो वापस कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? एनी कंफ्यूजन? सर से बस एनए की जगह ओएच एच लगा देंगे सर, ठीक है ना? सॉरी, एसिडिफाई करने के लिए सिर्फ एनए की जगह एच लगा देंगे। हाँ, ये एसिडिफाई करेंगे तो सॉल्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना, वापिस आपके पास कार्बोक्सिलिक आ जाएगा। लेकिन इस लेफ्ट वाले को देखें, लेफ्ट में मैंने एनए नहीं लिया, ओ एच लिया सिर्फ। ठीक है, अब आप इसको ब्रेक कीजिए, एस्टर को भी वाटर को भी। अब आप सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ना बनाएं क्योंकि सोडियम नहीं गिवन, अब कार्बोक्सिलिक ही रखें इसे और अल्कोहल प्रोड्यूस करें। दोनों को देखें, कंपेयर करें अपनी स्क्रीन पे। जब मैंने NaOH लिया तो क्या प्रोडक्ट बनाया, जब मैंने OH लिया तो क्या प्रोडक्ट बनाया? ठीक हुई बेटा बात? जी सर, ठीक है, कंपेरेटिवली देख लें, जब NaOH लिया तो फिर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक बनाया,
और जब तक उसे एसिडिफाई नहीं करेंगे वो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं NaOH ना लूँ सिर्फ OH लूँ तो फिर कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल प्रोडक्ट हूँ, क्योंकि जाहिर है तो मैंने सोडियम लिखा नहीं तो फिर मैं सॉल्ट में भी सोडियम नहीं लिख सकता, राइट? ओके ठीक है सर, ठीक है, आगे मैं मूव कर। अच्छा ये बस एस्टर के यही रिएक्शंस थे, एस्टर के एसिड हाइड्रोलिसिस होती है और बेस हाइड्रोलिसिस होती है। एस्टर की हाइड्रोलिसिस आप ओ लेवल्स में भी पढ़ चुके हैं, बस यहाँ एसिड और बेस वाले डिस्कशन थे सिर्फ। अच्छा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है और ये लास्ट जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, इसके रिएक्शंस आपने देखने हैं, वो है नाइट्राइल। ठीक है, नाइट्राइल है सी ट्रिपल बॉन्ड एन, द फंक्शनल ग्रुप सी ट्रिपल बॉन्ड एन रिप्रेजेंट्स नाइट्राइल, राइट? अच्छा अब जो नाइट्राइल है उसके थ्री रिएक्शंस हैं, बस उन थ्री रिएक्शंस को यू नीड टू अंडरस्टैंड। नाइट्राइल के थ्री रिएक्शंस हैं, उन थ्री रिएक्शंस को आपने अंडरस्टैंड करना। बेटा पहला रिएक्शन है नाइट्राइल का रिडक्शन, ठीक है? दूसरा रिएक्शन है एसिड हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस, और तीसरा रिएक्शन है बेस हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये तीन रिएक्शंस हैं नाइट्राइल की रिडक्शन के। अच्छा अब जाहिर है रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट रिक्वायर्ड है, तो नाइट्राइल की रिडक्शन के लिए आप या तो LiAlH4 यूज कर सकते हैं, LiAlH4 शुड बी यूज्ड इन ड्राई ईथर, राइट, शुड बी डिसॉल्व इन ड्राई ईथर। और दूसरा बेटा आप ये भी यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, नाइट्राइल के लिए हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैन बी यूज, लेकिन NaBH4 कैन नॉट बी यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, यू कैन नॉट यूज NaBH4, या तो LiAlH4 यूज करेंगे या हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल यूज करेंगे, राइट? और कंडीशंस होंगी हीट, हीट कंडीशंस में रिडक्शन होगी, ठीक है? अच्छा अब देखें ये है नाइट्राइल, राइट, और ये H मैं ले रहा हूँ 4। बेटा ये H कहाँ से आए, ये जो H मैं लिख रहा हूँ ये कहाँ से आए? LiAlH4 से, या हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, दोनों केसेस में H आ सकते हैं, ठीक है? रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो H प्रोड्यूस करेगा, और ये लिया हाइड्रोजन, ये लिया हीट, ठीक है? अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बताएं इन हाइड्रोजन ने क्या करना है जो रिड्यूसिंग एजेंट से आ रहे हैं, अटैच होने हैं के साथ। हाँ, दो हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे कार्बन के साथ, दो हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे नाइट्रोजन के साथ, तो एमाइन बनेगा, ठीक है, या एल्काइल एमाइन, दिस इज एल्काइल एमाइन, NH2 ग्रुप एमाइन ग्रुप होता, ये बात याद रहेगी बेटा। रिडक्शन से नाइट्राइल की रिडक्शन से एमाइन बनेगा, दिस इज फर्स्ट थिंग। बेटा द सेकेंड थिंग इज एसिड हाइड्रोलिसिस, तो एसिड हाइड्रोलिसिस में वही रिएजेंट्स हैं, HCl एक्वस एज अ रिएजेंट हो सकता है, H2SO4 एज अ रिएजेंट हो सकता है, H+/H2O रिएजेंट हो सकता है, या H3O पॉजिटिव रिएजेंट हो सकता है, और हीट अंडर रिफ्लक्स या हीट कंडीशंस होंगे। ये बेटा गौर से सुने कि नाइट्राइल की एसिड हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, नाइट्राइल की एसिड हाइड्रोलिसिस में ये ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, नाइट्राइल की एसिड हाइड्रोलिसिस में ये ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। गौर से सुने, ये जो कार्बन है इस कार्बन को आपने कार्बोक्सिलिक बनाना है, राइट? कार्बन को क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक, और जो नाइट्रोजन है उसको बनाना है NH4 पॉजिटिव, याद रहेगी बेटा ये बात, कार्बन को बनाना है कार्बोक्सिलिक और नाइट्रोजन को बनाना है NH4 पॉजिटिव, तो ये फाइनल प्रोडक्ट इज कार्बोक्सिलिक प्लस NH4 पॉजिटिव,
याद रहेगी बेटा बात, ये याद करनी है ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैकेनिज्म इसका है नहीं, जिसको मेमोराइज करें एज इट इज। एक छोटी सी बात बेटा मैं बता दूं आपको, ये जो एन एच फोर प्लस मैंने लिखा ना, ये यहां से असल में अमोनिया फॉर्म होता पहले, ठीक है, फॉर्म अमोनिया होता, लेकिन ये एसिडिक एसिड हाइड्रोलिसिस है ना, तो एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम की वजह से अमोनिया जो है ना वो एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है एसिडिक मीडियम से, तो फिर फाइनल जो हम इसको शो करते हैं वो एनएच पॉजिटिव, एनएच फोर पॉजिटिव की फॉर्म में शो करते हैं। बनता पहले अमोनिया है, फिर एसिडिक मीडियम से एच प्लस पिक कर लेता है अमोनिया, तो एनएच फोर प्लस बन जाता है, राइट? सर आप ये एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? जो कार्बन है ना, जो ट्रिपल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, कार्बन से बनेगा कार्बोक्सिलिक और नाइट्रोजन से बनेगा एनएच फोर प्लस, ठीक है, ये बनता नाइट्रोजन से अमोनिया है, लेकिन एसिडिक मीडियम की वजह से वो एनएच थ्री एनएच फोर प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। बेटा आप लोगों को मैंने ये बताया था ना बॉन्डिंग के चैप्टर में कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो एक एच प्लस के साथ डेटिव बॉन्ड बना सकता है, और उसके बाद फिर क्या बनता है, एनएच फोर पॉजिटिव। तो जब भी अमोनिया किसी एसिडिक मीडियम में होगा तो वो एनएच फोर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो ये हो जाएगी ग्रिप, ठीक है। और बेस हाइड्रोलिसिस में बेटा एनएओएच एक्वस और हीट ये रिएजेंट्स हैं, तो बेस हाइड्रोलिसिस में आप यहां सॉल्ट ऑफ कार्बोक्स लिख लें, बेस हाइड्रोलिसिस में भी, ये भी गौर से सुने बेटा, बेस हाइड्रोलिसिस में भी नाइट्राइल का ये ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करें, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये जो कार्बन है यहां बनाएं सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक, ठीक है, क्या बनाएं, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक, और इस नाइट्रोजन से बनाएं एनएच थ्री, नाइट्रोजन से बनेगा एनएच थ्री, ये एनएच थ्री एनएच फोर में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि बेसिक मीडियम है, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास ये होगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक, ये सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक है और प्लस एनएच थ्री, ध्यान में रहेगी बेटा ये बात? यस सर, जी सर। कंफ्यूजन है किसी को? जी बेटा कंफ्यूजन है? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है, तो देखो अगर के ये स्ट्रक्चर है, ये है, ठीक है सर, आप थोड़ा वापस जा सकते हैं? जी बेटा, ठीक है, यस सर। अच्छा बताएं, अगर कि यहां मैं लिख दूं हाइड्रोजन प्लस निकल और हीट, आप बताओ क्या होगा? रिडक्शन, रिडक्शन होगी, यस। कौन सा रिएक्शन होगा बेटा? रिडक्शन होगी, तो रिडक्शन में बेटा आपने करना क्या है, जो सी ट्रिपल बॉन्ड एन है उसे सी सिंगल बॉन्ड एन रखें, और रिड्यूसिंग एजेंट से जो एच प्रोड्यूस होंगे, जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगे रिड्यूसिंग एजेंट से, उसमें से दो हाइड्रोजन कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच कर दें। क्लियर बेटा? अगर ये लिखा हो एच प्लस स्लैश एच टू ओ और हीट, इसका क्या मतलब है, कौन सा रिएक्शन है? एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अच्छा एसिड हाइड्रोलिसिस में बेटा मैंने क्या रूल बताया, क्या होगा? जी बेटा क्या होगा? एक कार्बोक्सिलिक बनेगा और एक NH4 पॉजिटिव बनेगा। हाँ, ये ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करें और इस कार्बन से क्या बनाएं बेटा, कार्बोक्सिलिक बनाएं, ठीक है। जब इस कार्बन को आप कार्बोक्सिलिक बना देना तो इसके पीछे जो भी अटैच है उसे एज इट इज अटैच रहने दें, क्योंकि बाकी स्ट्रक्चर को तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये जो कार्बन है इसे कार्बोक्सिलिक कर दें, सिंपल इज दिस, ठीक है। और ये जो नाइट्रोजन है ना इसे आप एसिड हाइड्रोलिसिस में NH4 पॉजिटिव बनाएं, तो ये है NH4 पॉजिटिव, समझ आई? ठीक
ठीक है जी सर। और अगर के रिएजेंट ये हो NaOH एक्वस और हीट, अब ये कौन सा रिएक्शन हो रहा? बेस हाइड्रोलिसिस। ये बेस हाइड्रोलिसिस हो रहा है। अब बेस हाइड्रोलिसिस में वंस अगेन क्या बनेगा? साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, साल्ट बना रहे हैं कार्बोक्सिलिक का, और प्लस क्या बनेगा? प्लस क्या होगा? NH3। हाँ, आप यहाँ NH3 रखें क्योंकि ये NH3 NH4 में कन्वर्ट नहीं हो सकता क्योंकि बेस मीडियम है, ठीक है? ये NH3 NH4 में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि बेसिक मीडियम में बना। अच्छा पूछो बेटा, ये बताइए कि अगर मेरा एक क्वेश्चन। जी जी बेटा, जो आप जहां रिडक्शन किया उसके आपके चार हाइड्रोजन कहां से हैं? बेटा रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। यहाँ मैंने हाइड्रोजन लिखा हुआ है तो ये टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है। हमेशा फोर हाइड्रोजन यूज होंगे एक नाइट्राइल ग्रुप के लिए, फोर हाइड्रोजन यूज होंगे एक नाइट्राइल ग्रुप। अगर दो नाइट्राइल ग्रुप होना तो फिर एट हाइड्रोजन यूज होंगे एंड सो ऑन, ठीक है? अच्छा ये बताएं बेटा, अगर केस को मैं एसिडिफाई करूं फिर क्या होगा? फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ, ये जो सॉल्ट है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कार्बोक्सिलिक में, ठीक हो गया? कंफ्यूजन बेटा नहीं है कंफ्यूजन? ये बता सकते हो कि अगर इस तरह होता, ये इस तरह होता और लिखा होता एक्सेस एक्सेस एल आई ए एल एच फोर ड्राई ईथर में रिडक्शन रिडक्शन और रिडक्शन दोनों की होती ना फिर, तो सी एच टू एन एच टू बस दो दफा ड्रॉ कर लें, दो दफा नहीं एक ही दफा ड्रॉ करें और दोनों नाइट्राइल्स की रिडक्शन करें, दोनों नाइट्राइल ग्रुप की रिडक्शन करें, समझ आई? और अगर यूं लिखा होता NaOH एक्वस और हीट फिर क्या करते? फिर जो दोनों नाइट्राइल बेस हाइड्रोलिसिस, हाँ बेस हाइड्रोलिसिस, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक दोनों पे बनता, ऐसा है बेटा? और NH3 बनता, दो मोल चले ले लें NH3 के, ऐसा है बेटा? और बेटा अगर बेस हाइड्रोलिसिस का जो रिएजेंट है वो यूं गिवन होता OH नेगेटिव एक्वस प्लस हीट, फिर आप क्या करते? सर बस सिर्फ सोडियम को हटा देते। हाँ, फिर ये सोडियम हटाते इधर से क्योंकि सोडियम रिएजेंट में नहीं है, फिर आप सोडियम मत रखें। आप यूं भी कर सकते हैं ओ नेगेटिव यूं भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और एच भी लगा सकते हैं, दोनों चॉइसेस ठीक है। O नेगेटिव भी रख सकते हैं और इधर H भी लगा सकते हैं, ठीक है? मेरे ख्याल में आपको ये नाइट्राइल की समझ आ गई। डिफिकल्ट नहीं थे, इजी थे रिएक्शंस, नाइट्राइल के भी एस्टर के भी। और बस जो लास्ट बेटा कॉन्सेप्ट है वो है एमाइन का, ये जरूरी है बेटा। एमाइन का पूरे सिलेबस में एक ही तरह का रिएक्शन है और वो है बेस, as a amine is Bronsted-Lowry base, amine is Bronsted-Lowry base, ठीक है? तो ये as a base act करेगा, amine acts as base, बस इसका एक ही reaction आएगा as an acid base में, ये as a base act करेगा। तो amine is proton, अगर amine as a base act कर रहा है तो it will be proton एक्सेप्टर। अच्छा बेटा एमाइन क्यों प्रोटॉन एक्सेप्टर है? क्योंकि एमाइन का जो नाइट्रोजन है उस पर लोन पेयर है, तो इस लोन पेयर की वजह से इट कैन मेक डेटे बॉन्ड विद एच प्लस। एमाइन का जो नाइट्रोजन है उस पर लोन पेयर है जिसकी वजह से ये डेटे बॉन्ड बना सकता, ठीक है? तो लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन can make dative bond with H plus, that is the reason कि amine basic है।
तो देखो एग्जामिनर बोलेगा कि राइट इक्वेशन टू शो मिथाइल एमाइन, ये मिथाइल एमाइन है CH3NH2 एज अ बेस, मिथाइल एमाइन को एज अ बेस आप शो करें, इक्वेशन लिखें। तो बेटा इक्वेशन आप किस तरह लिखोगे, आप इसको HCl से ट्रीट करवा दो, ठीक है। तो एमाइन जो है ये प्रोटॉन एक्सेप्टर आपने दिखाना है, आपको याद है कि हमने प्रैक्टिस प्रोटॉन ब्रॉन्सेट लोरी वाला कॉन्सेप्ट। तो ये एमाइन प्रोटॉन जब एक्सेप्ट करेगा, यानी ये प्रोटॉन पड़ा हुआ है HCl, तो HCl प्रोटॉन डोनर होगा, HCl प्रोटॉन डोनर होगा। जब HCl प्रोटॉन देगा तो इट बिकम Cl नेगेटिव, और जब NH2 प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो इट बिकम्स NH3 पॉजिटिव, NH2 बिकम्स NH3 पॉजिटिव। ये समझ आई बेटा? अब जो डोनर है वो सर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं जी? मैं और एग्जांपल्स लेता हूं बेटा, और एग्जांपल्स भी लूंगा। ओके, ये HCl एसिड है और एमाइन जो है ये बेस है, तो ये Cl नेगेटिव को क्या बोलेंगे? Cl नेगेटिव इज कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, बेस एसिड विल प्रोड्यूस कॉन्जुगेट बेस, और बेस विल प्रोड्यूस कॉन्जुगेट एसिड, ये कॉन्जुगेट एसिड है, राइट? ये देखो अगर के इस तरह हो CH3 CH2 NH2, इसका अगर हम रिएक्शन करें H पॉजिटिव से तो ये बेटा बेस होगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CH2 NH3 पॉजिटिव, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो दिस इज कॉन्जुगेट एसिड, राइट? समझ आई? इसी को अगर हम रिएक्ट करें C2H5NH2, yes, sir. इसको अगर हम HCl से रिएक्ट करते तो फिर प्रोडक्ट आता C2H5NH3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब ये बेस है, ये एसिड है, ये फिर कॉन्जुगेट एसिड है, ये कॉन्जुगेट बेस है, लाइक दिस। तो जो एमाइन के रिएक्शंस आपके सिलेबस में है वो एज अ बेस है विद एसिड, एज एन एसिड बेस रिएक्शन ये यूज होगा, बस ये कॉन्सेप्ट है। अब आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछें। अगर क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहां पे खत्म है।